Family. क्या हाल चाल है आप सबको उम्मीद है आप सब, आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और हैरियत से होंगे तो जो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है मैंने सोचा आप लोग सब मुझसे हमेशा मेरी मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में पूछते थे, थे तो मैंने सोचा मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ अपने कुछ फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट्स जो हैं वो शेयर करूँ जैसे कि फाउंडेशन हाईलाइटर ब्लशंस आई शेडोज मस्कारा आई लाइनर तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आप लोगों के साथ जल्दी से एक क्विक वीडियो में शेयर करूँ अपनी सारी मोस्ट फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट्स तो चलते हैं सबसे पहले फाउंडेशन की तरफ जो मेरा मोस्ट फेवरेट फाउंडेशन है वो है जी मेकअप फॉर एवर एच डी स्टिक ये मैंने इस वक्त अपने हाथ में पकड़ा हुआ है जो कि बहुत ज़बरदस्त है कॉम्बिनेशन स्किन जिनकी हो ड्राई स्किन जिनकी हो उनके लिए बहुत बहुत अच्छा है और ये फुल कवरेज फाउंडेशन है लेकिन इसकी एक ये बात है कि ये बिल्कुल केकी इफेक्ट नहीं देती है बिल्कुल नेचुरल एक फिनिश देती है जबकि ये फुल कवरेज है तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मैं अपने फेस पे इसको काफ़ी बार अप्लाई करती हूँ जैसे कि अभी भी मैंने यही फाउंडेशन अप्लाई किया हुआ है और इसमें जो मेरा शेड है वो टू फोर फाइव है वाई और ये बहुत बहुत ज़बरदस्त फाउंडेशन है और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ये सफोरा पे और मतलब मेकअप फर एव ये इजीली अवेलेबल है इवन पाकिस्तान में भी आपको ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं इजीली आजकल तो सारे ब्रांड्स हमें मिल जाते हैं ऑनलाइन आपको पेजेस पे चेक करना पड़ता है लेकिन बात यह है कि आपने ये ज़रूर चेक करना है कि मेकअप औरिजिनल है कि नहीं क्योंकि अक्सर पेजस पे फेक प्रोडक्ट्स भी मिल रहे होते हैं तो ये कोशिश करें कि आप लोग जो फ़ाउंडेशन लें उनको देख के लें ट्राई करके लें और अपने शेड के मुताबिक लें तो जी मेरा मेकअप फॉर एवर है डी स्टेक में ये वाला फाउंडेशन है और ये शेड भी मैंने आप लोगों को बता दिया ये मेरा बहुत फेवरेट फाउंडेशन है तो अब चलते हैं हम दूसरे नंबर की तरफ जो कि है खुदा ब्यूटी का इसके बारे में आप सबको पता होगा ये मेरा ये भी बहुत मेरा फेवरेट है और ये मैं ज़्यादातर तब अप्लाई करती हूँ जब जैसे मैंने किसी फंक्शन में जाना हो या मुझे अब बहुत ज़्यादा देर मतलब अपनी फाउंडेशन को स्टे कराना हो तब मैं खुदा ब्यूटी का फाउंडेशन यूज़ करती हूँ और इसमें जो मेरा शेड है वो है चाय और मैं हमेशा अपने फाउंडेशन में एक ट्रिक जरूर करती हूँ कि मैं कोशिश ये करती हूँ कि अगर मेरा फाउंडेशन मुझे अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा वाइट लग रहा होता है तो मैं नेक्स्ट यूज़ में हमेशा वाइट अपने फाउंडेशन के साथ थोड़ा सा अपना डार्क टोन में जो फाउंडेशन मेरे पास है मैं उसको मिक्स करके अप्लाई करती हूँ उससे होता ही है कि जब आप एक टोन अपनी स्किन से लाइटर और एक टोन अपनी स्किन से डार्कर दो फाउंडेशन को आपस में मिक्स करके अप्लाई करते हैं तो वो एक बहुत अच्छा नेचुरल कलर बनता है तो मेरी हमेशा ये ट्रिक होती है कि मैं दो फाउंडेशन को मिक्स करके लगाती हूँ तो अब ये आप लोग देख सकते हैं कि खुदा में जो मेरा फाउंडेशन है वो आ, शेड है वो है चाय और अब चलते हैं नंबर थ्री की तरफ अच्छा जी नंबर थ्री पे आ जाते हैं ग्लोब ब्यूटी कॉस्मेटिक्स की तरफ जो कि पाकिस्तानी ब्रांड है और इनका इंस्टाग्राम पे पेज भी है ग्लो ब्यूटी कॉस्मेटिक्स के नाम से और ये फाउंडेशन मेरा बहुत बहुत फेवरेट है इस फाउंडेशन की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि एक तो ये फुल कवरेज है और दूसरा ये इतना अच्छा ग्लो देती है फेस पे कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती मैं ज़रूर आप लोगों को कहूँगी इसको ट्राई करें और इसमें जो मेरा शेड है आइवरी है जो कि थोड़ा सा मेरी स्किन से ज़्यादा लाइटर है तो मैं इसके साथ हमेशा थोड़ा सा डार्क टोन में जो फाउंडेशन है मेरे पास उसको मिक्स करती हूँ और फिर अप्लाई करती हूँ तो बहुत बहुत अच्छी फिनिश आती है और अब चलते हैं जो मैंने डार्क टोन में फाउंडेशन रखा है अपने पास वो है जी ये मेविलिन का मेविलिन के फाउंडेशन बहुत बहुत अच्छे हैं डिपेंड करता है आपकी स्किन के साथ कौन सा जा रहा है और कौन सा नहीं और ये भी जी है ड्रीम अर्बन कवर आ, फुल कवरेज फाउंडेशन है जो कि लाइट वेट है सिक्स न्यूड बेज है जो मेरी स्किन से थोड़ा सा डार्कर टोन की तरफ है लेकिन मैं इसको लाइट के साथ मिक्स करके अप्लाई करती हूँ तो बहुत बहुत अच्छी लुक आती है तो ये भी बहुत ज़बरदस्त फाउंडेशन है और ये भी इजीली अवेलेबल है ड्रग स्टोर और मतलब पाकिस्तान में अलफ़ से भी आपको मिल जाएगा और भी जो बड़े बड़े जैसे स्टोर्स हैं हैंफतह हो गया और ग्रीन वैली है जैसे हमारा और एन एम है उधर सब हर जगह पर मेबलिन जो है अवेलेबल है तो फोर्थ नंबर पर है जी मेबलिन और अभी मैंने रिसेंटली ये मॉर्फी का स्टार्ट किया है ये भी मुझे अच्छा लगा है लेकिन ये मैं रिकमेंड करूँगी ऑयली स्किन वालों के लिए ऑयली स्किन वालों के लिए यह बहुत अच्छा है क्योंकि इसकी मैट फिनिश आती है और इसमें जो मेरा शेड है वन वन जीरो है तो ये देख लें मॉर्फी की भी फाउंडेशन ये बहुत अच्छी है ऑयली स्किन वालों के लिए अच्छा जी अब चलते हैं ऑर्डनरी की सीरम फाउंडेशन की तरफ ये बिल्कुल लाइट वेट फाउंडेशन है और ये फुल कवरेज नहीं है ये आ, मतलब इसको आप ऐसे कह लें जैसे हमने जब मैं इसको अप्लाई करती हूँ तो मुझे ऐसे फील होता है जैसे मैंने फेस पे जिस बीबी -बी क्रीम अप्लाई की हो लेकिन क्योंकि ये सीरम फाउंडेशन है और ये अच्छा फाउंडेशन है और मुझे ये पसंद है मेरी स्किन के साथ बड़ा अच्छा जाता है और मेरी स्किन पर एक बड़ा अच्छा ग्लो आता है तो इसलिए ये मैंने अपनी मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ रखा हुआ है इसको भी तो ये भी मेरी तरफ से बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है और दूसरा आ, मेरा बहुत फेवरेट है ये प्राइम मार्क का ग्लो फाउंडेशन ये भी ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है और मुझे पर्सनली प्राइम मार्क का मेकअप बहुत पसंद है और मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ प्राइम मार्क की प्रोडक्ट्स तो इस वजह से ये मुझे बहुत पसंद है तो अच्छा जी अब हो गए फाउंडेशन की बातें मेरे पास और भी फाउंडेशन हैं लेकिन मैंने आप लोगों के साथ वो शेयर किए हैं जो मेरी मोस्ट फेवरेट हैं तो अब हम चलते हैं फाउंडेशन के बाद हाइलाइटर की तरफ जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट हाइलाइटर है वो एक तो हमारा पाकिस्तानी ब्रांड है एपिसोड ट्वेंटी एट उनका ही हाइलाइटर मुझे बहुत पसंद है और बड़ा अच्छा लगता है फेस पे मैं आप लोगों को इसका स्वैच भी करके दिखा देती हूँ ये देखें ये मैट फिनिश में आता है पर इसका इसकी शाइन ये बहुत अच्छा ग्लोसी और बहुत ही अच्छा लगता है तो मुझे एक ये बहुत पसंद है और दूसरा हम चलते हैं मुझे ऑफ्रा का बहुत पसंद है रेडियो ड्राइव ये वाला ये भी बहुत अच्छा है ये गोल्ड में आ जाता है और ये मैं इसका भी आपको सर्च करके दिखा देती हूँ तो ये दो मेरे मोस्ट फेवरेट हाइलाइटर्स हैं और अब हम चलते हैं कंसीलर की तरफ तो जो मेरे पास इस वक्त कंसीलर है जो मेरा मोस्ट फेवरेट चल रहा है और जो कि फुल कवरेज भी है इवन मैं अक्सर सिर्फ इसी को अप्लाई कर लेती हूँ अपने अंडर आई एरिया पे और जहाँ जहाँ मेरे थोड़े से एक्नी स्पॉट्स होन पे मुझे फाउंडेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती तो ये है जी डर्मा कलर का आ, कंसीलर ये वाला और इसमें मेरा शेड है डी थ्री और ये बहुत बहुत अच्छा कंसीलर है मैं आप लोगों को ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि आप लोग इसको लेके ट्राई करें ये फुल कवरेज है और ये इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है और ये स्टे भी बहुत अच्छा करता है तो ये मेरा वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट कंसीलर है और उसके बाद आ जाते हैं टार्ट शेप टेप पे वो भी मेरा है और उसमें मेरा कलर जो है लाइट बेज है आ, पर वो मेरा ख़त्म हो चुका है लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और वो भी बहुत अच्छा है लेकिन अगर आप लोग पाकिस्तान से लेना चाहें तो आप लोग ये डर्मा कलर का लें क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त है और दूसरा आ जाता है नार्स की तरफ नार्स का ये वाला कंसीलर भी बहुत अच्छा है और इसमें मेरा शेड है लाइट टू वनीला ये ये भी फुल कवरेज कंसीलर है और ये भी बहुत ज़बरदस्त है अच्छा जी जहाँ बात हो रही हो मेरे फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट्स की तो मैं इसको कैसे भूल सकती हूँ ये है मेरा स्टेला का आ, क्रीनी ग्लिटर आई और ये आप यकीन करें अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें तो मैंने अभी रिसेंटली एक ट्यूटोरियल अपना अपलोड किया है उसमें आप लोग देखें मैंने आईज पे सिर्फ यही लगाया होता है आप यकीन करें अगर आपके पास ये हो और आप आईज़ पे सिर्फ इसी को लगा लें तो ऐसे लगता है कि आपने पूरा आई मेकअप किया हुआ है तो ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है इसका नंबर जो है सेवन वन गोल्ड स्टेला का ये वाला ये बहुत ज़बरदस्त है और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं अपनी फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट्स आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे तो उसमें ये कैसे पीछे रह सकता है ये देखें ये बहुत बहुत अच्छा है और दूसरी तरफ चलते हैं जी अब हम नेक्स्ट अपनी मेकअप प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर में करती हूँ जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट हो एक तो इतना सारा मेकअप इस वक्त मेरे सामने पड़ा हुआ ना कि मुझे उनमें से ढूंढना पड़ता है अच्छा जी ये शेयर करती हूँ ये है फेंटी ब्यूटी का फूसी नेल सॉरी लिप ग्लॉस ये भी मेरा मोस्ट फेवरेट है इस वक्त मैंने वही लगाया है और ये बहुत, बहुत 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 अच्छा है और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जी अपना मोस्ट फेवरेट लिपस्टिक कलर जो कि न्यूड में है और वो है खुदा ब्यूटी का स्टे कॉशन ये बहुत अच्छा न्यूड कलर है अगर आप लोगों ने लेना हो न्यूड में तो ये इस के लिए आप लोग ज़रूर जा सकते हैं इसको लेने के लिए ये बहुत बहुत अच्छा है और अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा नूर नहीं भी पसंद तो आप इसको पिंक आउटलाइन के साथ जब मिक्स करके अप्लाई करेंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा और अब आपको अपना फेवरेट रेड भी मैं शो कर देती हूँ अच्छा जी एक मेरा रेड फेवरेट है नार्स का मिस्टीरियस रेड ये वाला जो कि बिल्कुल प्योर रेड है ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये देखें बिल्कुल प्योर रेड ठीक है और फिर एक मेरा है प्राइम मार्क का रेड जो कि मेरा ख़त्म हो चुका है ये मुझे रेड इतना पसंद है क्योंकि ये बिल्कुल मैट कलर है और ये प्राइमार्क से आप लोग मतलब देख सकते हैं ले सकते हैं देखें बहुत बहुत प्यारा ब्राइट रेड कलर है मतलब बहुत ज़्यादा रेड भी नहीं है बहुत मैरूनिश भी नहीं है एक बहुत अच्छा खूबसूरत सा रेड कलर है और इसका कोई नाम नहीं है मंडा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती इसके ऊपर सिर्फ लिखा हुआ है पी एस सुपर मैट लिक्विड लिपस्टिक बस और इसके अलावा इसका कोई नाम नहीं है ये इजीली आप लोगों को प्राईमार्क से मिल जाएंगे बस इनका ही होता है कि इनकी पैकिंग्स जो हैं वो चेंज हो जाती हैं अच्छा जी अब हम आपके साथ दूसरी चीज़ शेयर करते हैं इन गॉट का जेल आई लाइनर ब्लैक आई लाइनर है इसकी बस एक बुरी बात है कि ये इसको हम ज़्यादा खोल के रखें तो ये ड्राई हो जाता है तो इसके लिए आप किया ये करें कि जितना सा आप जितना आपने अप्लाई करना है उतना सा ब्रश से अच्छा जी तो अब हम बात करते हैं थोड़ी सी पैलेट्स के बारे में तो अगर आपको न्यूट पैलेट्स में जाना है तो खुदा की न्यूट पैलेट जो है बहुत ज़बरदस्त है आप ये ही अगर ले लें तो आपको किसी भी और कलर की ज़रूरत नहीं पड़ती ये देखें इसमें बहुत प्यारे प्यारे कलर्स हैं और आपको नज़र आ रहा होगा जो मेरा मोस्ट फेवरेट कलर है वो ख़त्म हो चुका है अच्छा जी तो ये बहुत अच्छा है और खुदा की मुझे ये नियॉन पैलेट भी बहुत पसंद है ये मुझे क्यों पसंद है क्योंकि इसमें आई शेडो से ज़्यादा अच्छे ब्लशन कलर्स हैं तो ये कलर्स को मैं दो को इन तीन को मिक्स करके जब अप्लाई करती हूँ एज ब्लश ब्लशन तो ये बहुत खूबसूरत कलर बनता है और ये आइज़ uh, के लिए भी बहुत अच्छा है मुझे इसकी नियॉन पैलेट्स में से ये कलर बहुत पसंद है और दूसरी ये खुदा की ये वाली पैलेट भी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसके कलर्स खुदा की खुदा ब्यूटी की पैलेट्स की ये बात है कि इनके कलर्स जो हैं बहुत पिगमेंट हैं उनमें और बहुत अच्छा स्टे करते हैं और जस्ट आप एक भी अप्लाई करें तो आपकी आंख ऑटोमेटिकली अच्छी लगने लग जाती है और साथ अगर आप ब्राउन की तरफ जाएँ तो मुझे ये मौर्फी की आ, जो कि है ट्वेंटी ए ये बहुत पसंद है ये थोड़ी सी खराब हो चुकी है क्यों क्योंकि मेरे बच्चों ने कर दी थी पर ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है तो मैंने इसको स्टिल संभाल के रखा हुआ है चाहे जिस मर्जी हालत में यूज़ हो जाती है ये देखें मतलब मैट कलर्स जो इसके हैं बड़े अच्छे हैं और वो इस्तेमाल में आए जा सकते हैं जबकि ये कुछ कलर्स जो हैं ख़राब हो चुके हैं लेकिन कोई बात नहीं मैं इसको बड़ा अच्छा इस्तेमाल करती हूँ और अब मैं आप लोगों के साथ क्या चीज़ मेरे सामने से वक्त इतना सारा मेकअप पड़ा हुआ है ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ और क्या ना करूँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर वही चीज़ें हैं जो कि मेरी फेवरेट हैं पर बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको मैं फेवरेट मतलब नहीं कहूँगी अच्छा जी मैंने जो मोस्ट uh, फेवरेट अपनी प्रोडक्ट्स थी आई थिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं और अब पीछे बच जाती हैं लिपस्टिक्स और uh, कुछ आई लैशेज और ब्रशेज वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी आज के लिए इतना काफ़ी है कि मैंने आपको अपने फेवरेट फाउंडेशन और अपनी कुछ फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट्स दिखा दिए आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप लोगों ने करना क्या है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोह में याद रखना है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़